हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और फटाफट थोड़ा सा मार्केट का जायज़ा लेते हैं, क्योंकि कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्रिप्टो मार्केट के अंदर और ग्लोबल मार्केट्स के अंदर भी। कुछ ना कुछ हमें या तो अच्छा खासा एक चढ़ाव देखने को मिलेगा या अच्छा खासा मार्केट एक नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। कल जो आने वाली है एक बढ़िया सी वेरी इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट आने वाली है, US एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट जो है वो आने वाली है। और कहीं ना कहीं उस रिपोर्ट को फेड जो है वो भी लेके चलता है विथ रिस्पेक्ट टू द बढ़ता हुआ जो इन्फ्लेशन है उसको लेके, कि जब मार्केट एक ऊपर की तरफ होता है, इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है, एम्प्लॉयमेंट बहुत हालत ख़राब होती है, तब मार्केट किस हिसाब से रिएक्ट करता है। तो उन सब चीज़ों को देख के थोड़ा सा कल का जो मार्केट है वो ऊपर नीचे हो सकता है। या तो चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव होंगी या तो चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव होगी और वापस हम एक प्राइस नीचे की तरफ देख सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि जब रिपोर्ट आने से पहले मार्केट में आपको काफ़ी अच्छा खासा वॉलीटिलिटी देखने को मिले, आपको प्राइस थोड़ा सा और ऊपर की तरफ दिखेगा और फिर वहाँ से प्राइस नीचे आ सकता है। ठीक है, तो अगर प्राइस ऊपर आता है देन इट विल बी ए वेरी गुड लेवल टू शॉर्ट द मार्केट। ठीक है, सीधे पहले हम लोग चार्ट्स पे चलते हैं और उसके बाद से ये कुछ रिपोर्ट्स हैं वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है मार्केट के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि पिछले दिन जो मार्केट नीचे की तरफ गिरा था, लमसम 29,000 के आसपास आ गया था, उससे भी थोड़ा बहुत नीचे आ गया था, उसके पीछे रीज़न क्या था। तो उस समय एक ये जो न्यूज़ निकल के आई थी, जेमी डायमंड सेज जेपी मॉर्गन इज़ ब्रेसिंग इटसेल्फ फॉर इकोनॉमिक हरिकेन। जेमी डायमंड वॉर्न इन्वेस्टर्स टू प्रिपेयर फॉर एन इकोनॉमिक हरिकेन एज द इकोनॉमी स्ट्रगल्स अगेंस्ट एन अनप्रेसिडेंटेड कॉम्बिनेशन ऑफ चैलेंजेस इंक्लूडिंग टाइटनिंग मॉनिटरी पॉलिसी एंड रशियाज़ इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। दैट हरिकेन इज़ राइट आउट देयर डाउन द रोड कमिंग आवर वे, द जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सेट एट ए कॉन्फ्रेंस स्पॉन्सर्ड बाई अलायंस बर्नस्टीन होल्डिंग्स ऑन वेनसडे। वी डोंट नो इफ इट इज़ ए माइनर वन और सुपर स्ट्रॉन्ग सैंडी, यू बेटर ब्रेस योर सेल्फ। ठीक है, तो इन्होंने क्लियर कट कह दिया यहाँ पे, लास्ट दिन कहा था कि अच्छा खासा एक झटका देखने को मिल सकता है, छोटा झटका भी हो सकता है, बड़ा झटका भी हो सकता है, तो बेटर यू शुड प्रिपेयर फॉर इट। ओके, तो ये जब न्यूज़ डाली थी 1 जून के आसपास आई थी, तो मार्केट पे हमने अचानक से देखा शाम के टाइम में धड़ाम से मार्केट नीचे गिरा। चार्ट्स पे जाने से पहले एक और जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, द अपकमिंग US जॉब रिपोर्ट। ठीक है, जो एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट है इज़ प्रोजेक्टेड टू शो द लेबर मार्केट वाइल स्टिल टाइट मे बी स्टार्टिंग टू ट्रांजिशन टू मोर मॉडरेट पेरोल्स ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइज मंथली एडवांसेस। देखिए, जब कोविड का टाइम था उस समय अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, पेरोल्स थे वो भी बहुत कम हो चुके थे। राइट नाउ अभी ये देखा जा रहा है कि मई मंथ जो था उससे थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो हल्की सी एक बेहतर है। और एम्प्लॉयमेंट रेट की बात करते हैं, इज सीन फॉलिंग टू ए पेंडेमिक लो ऑफ 3.5% एंड एवरेज आवरली अर्निंग्स आर फोरकास्ट टू राइज 0.4% फ्रॉम ए मंथ अर्लियर। थोड़ा सा इसमें सुधार है, लेकिन फेडरल रिजर्व पॉलिसी मेकर जो हैं वो इस रिपोर्ट को लेके कल किस हिसाब से बयान देते हैं और उसका असर मार्केट पे किस हिसाब से पड़ता है। अगर थोड़ा भी चीज़ें नेगेटिव रही तो ग्लोबल मार्केट्स जो डगमगाएंगे, तो उसको देख के क्रिप्टो मार्केट है वो भी डगमगाएगा। क्रिप्टो मार्केट इज़ वेरी मच कोरिलेटेड विद द स्टॉक मार्केट, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो कल का दिन थोड़ा बहुत एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है, तो आप लोग थोड़ा सा कल के दिन चौंकाना रहना। ये भी हो सकता है कि हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि कुछ जब बाइडन की न्यूज़ आती है, रशिया यूक्रेन सबको लेके आती है और थोड़ी देर के लिए चीज़ें जो होती हैं US मार्केट के अंदर वो थोड़ी सी पॉजिटिव दिखती हैं, ऊपर की तरफ जाती हैं, लेकिन 1-2 घंटे के बाद वापस से वो नीचे आ जाती हैं। तो आपको थोड़ा सा कल के दिन केयरफुल रहना पड़ेगा। और मेरी बात करो कि मैं क्या सोचता हूँ, देन मैं वापस से एक शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे देखूँगा, अगर प्राइस ऊपर आता है देन आई विल गो फॉर ए शॉर्ट। अब मैं सीधा आपको चार्ट्स पे लेके चलता हूँ और क्विक BTC के एनालिसिस यहाँ पे कर लेते हैं क्या सिनेरियोज़ हैं। ठीक है, अब ये जो है ये 1 आवर का हम लोग यहाँ पे चार्ट पकड़ रहे हैं, हमने डेली चार्ट पे देख लिया, फिर 4 आवर्स के चार्ट पे सारे सिनेरियोज़ को देख लिए हैं। और कल उससे पहले हमने एक बेयर फ्लैग देखा था जो ब्रेक हुआ था नीचे होता, और कल मैंने आपको एक और बताया था कि लो टाइम फ्रेम 5 मिनट्स के चार्ट पे भी एक छोटा सा एक बेयर फ्लैग दिख रहा है, प्राइस ऊपर गया उसका झटका मार के प्राइस नीचे आया, उसमें भी एक क्विक शॉर्ट स्कैल्पिंग हमें प्रॉफिट मिला। अब यहाँ पे देखिए 1 आवर का चार्ट मैंने पकड़ा है और यहाँ पे अच्छा खासा हमको एक ये बेयर फ्लैग यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं,
और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ओके यहाँ पे, ओके। अब यहाँ से अगर हमें एक शॉर्ट पोजीशन घड़ी करनी है, ठीक है, पूरा सेटअप आपके लिए यहाँ पे रखा हुआ है। ये लेवल है, ठीक है, पुल बैक लेवल है कि यहाँ पे प्राइस गया और यहाँ से नीचे की तरफ आया। अगर हम यहाँ पे भी एक एंट्री लेते हैं, शॉर्ट पोजीशन लेते हैं, जो है राइट नाउ 30,240 के आसपास चल रहा है, अगर यहाँ से भी आप एक शॉर्ट पोजीशन लेते हैं, तो मैं आपको कहूँगा एक स्ट्रिक्ट SL आप ज़रूर रखना। SL हमें कौन सा रखना है, इस लेवल पर रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि ऊपर से जो हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हुए आ रहे हैं चार्ट्स के ऊपर, तो वो कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास दिख रहा है, तो हम इस लेवल पर पकड़ रहे हैं 30,880 के आसपास। क्यों, क्योंकि एक और चीज़ आप अगर देखोगे, लेफ्ट साइड देखोगे, तो यहाँ पे इस लेवल पे एक रेजिस्टेंस मिला हुआ है, ओके। तो डेट्स वाई यहाँ पे आप एक अपना SL रख सकते हैं, अगर इन केस हिट होता है, ठीक है, छोटा मोटा हमें एक लॉस होगा, लेकिन अगर ये वापस से प्राइस नीचे की तरफ आता है और ये निचले लेवल को तोड़ता है, यानी कि 29,629 से ये नीचे आता है, देन आवर फर्स्ट टारगेट जो होगा 28,600 के आसपास होगा, 27,498, और उसके बाद से 26,200 के आसपास ये हमारे एक टारगेट हो सकते हैं, ठीक है। और कल देखना है मार्केट किस हिसाब से रिएक्ट करता है, चीज़ें थोड़ी सी पॉजिटिव हो सकती हैं और चीज़ें थोड़ी सी नीचे भी हो सकती हैं। ओवरऑल जो मार्केट है वो थोड़े से बेरिश माहौल के अंदर है और प्राइस अगेन फ्लक्चुएट कर रहा है, 30,000 से ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा है BTC। तो इस बीच में आप चार्ट्स का थोड़ा ज़्यादा सहारा लेना और स्कैल्पिंग करने की कोशिश ज़रूर करना। और ऑल्ट कॉइन्स जो हैं, देखिए ऑल्ट कॉइन्स तो अच्छे खासे हैं, ठीक है, जैसे कि मैं कहूँ आपको एक मैटिक पे ऊपर नज़र रखना, वो अगर आपको नीचे मिलता है तो उसको थोड़ा सा लेने की कोशिश करना, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। और मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ अभी कि ऑल्ट जो है वापस से थोड़े बहुत और टूटेंगे, क्योंकि BTC के जो डोमिनेंस है वो अगेन काफ़ी ज़्यादा है। अगर मार्केट कल के दिन कुछ पैनिक जैसा होता है, अगर कुछ रिपोर्ट्स में हड़कंप मचाता है, तो BTC अगर लड़खड़ाता है तो ऑल्ट्स भी थोड़ा सा लड़खड़ाएंगे, तो हमें थोड़ी सी और नीचे की तरफ एंट्री मिलेगी। और हमेशा याद रखो कि जब भी कोई एक पैनिक वाला डे आता है कोई भी न्यूज़ के हिसाब से, और उस समय जब ऑल्ट्स वगैरह गिरते हैं ना डबल डिजिट के अंदर, तब कोशिश करो एंट्री लेने के लिए। ये मत सोचो कि ये और गिरेगा, एंट्री लो। अगर सपोज करो 15-20% गिर रहा है, फटाफट दिमाग में ये रखो कि एंट्री मुझे लेनी है, और थोड़ा सा एक रखो फंड कि अगर इनकेस और नीचे आता है, 5-10% और नीचे गिरता है, देन यू शुड एवरेज आउट। ये सारी बातें मैं कह रहा हूँ फॉर स्पॉट ट्रेडिंग, मैं यहाँ पे लेवरेज फ्यूचर ट्रेडिंग वगैरह बिल्कुल नहीं बोलूँगा करने के लिए, ये सिर्फ मैं आपको स्पॉट का एक बता रहा हूँ। जब ज़्यादा पैनिक दिखे तब एंट्री लेना है, जब मार्केट में पैनिक ही नहीं है, जब नहीं होता है उस समय आप एंट्री लेते तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये था क्विक अपडेट ऑन BTC और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो आपके सामने शेयर किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर ठोक देना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया कुछ नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वो आप लोग से मिस ना हो। जल्द मिलेंगे, तब तक टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।